हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। स्वागत किया जाता है एक और नए धमाकेदार वीडियो में। वीडियो को पूरा देख लेना अगर आपको स्वर्ग जाना है तो, वरना कोई बात नहीं। अब वो समय नहीं रहा कि आप अपना समय सीरियल देखने और गेम देखने में बिताओ। अब हम अंत के दिनों में जी रहे हैं और ऐसे कई भाई बहन हैं जो प्रभु यीशु मसीह के मसीह में ईमानदारी से विश्वास कर रहे हैं, और कुछ ऐसे मसीही हैं जो सिर्फ नाम के मसीही हैं। विश्वास तो करते हैं और वे लोग अपना जीवन ऐसे बिता रहे हैं कि उन्हें कभी ही मरना ही नहीं है। ये जो बाइबल है ना, ये कोई खेल नहीं है रे बाबा, समझना और याद रखना इस बात को मेरी। परमेश्वर आपकी जान निकाल लेगा उस अनंत काल की आग में। अंत के दिनों में क्या क्या होगा अभी आपको आगे बताया जाएगा, ठीक है भैया। वीडियो को पूरा देख लेना और वीडियो देखने के बाद शेयर जरूर कर देना अपने मसीह भाई बहनों के पास। परमेश्वर के लिए आप ये काम कर सकते हैं तुम्हें बचाने के लिए। भुखमरी तो आपने सुना ही होगा बाइबल में। यीशु ने कहा था एक के बाद कई जगह अकाल पड़ेंगे, क्योंकि जात पर जात और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूंडोल होंगे। मत्ती की पुस्तक 24 अध्याय के 7 वचन में लिखा हुआ है। आप देख रहे हैं रूस और यूक्रेन में कितना बड़ा युद्ध चल रहा है, एक दूसरे को मारने में लगे हुए हैं, और इस समय में अनाज की पैदावार से पहले मुकाबले ज़्यादा है। फिर भी कई लोगों को भर पेट खाना नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि लोगों के पास ना तो खाना खरीदने के लिए पैसे हैं, ना ही अनाज उगाने के लिए जमीन है। 100 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों के लिए एक दिन का गुजारा करना भी मुश्किल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन बताता है कि हर साल लाखों बच्चे मर रहे हैं, और इसकी एक वजह है, वो है भूखमरी। दुनिया का नज़ारा आप देख सकते हैं अपनी आँखों से। यीशु ने भविष्यवाणी की थी कि बड़े बड़े भूंडोल होंगे। लुका की पुस्तक 21 अध्याय के 11 वचन में लिखा हुआ है, और बड़े बड़े भूंडोल होंगे और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और मरिया पड़ेंगी, और अकाल आकाश में भयंकर बातें, बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। आप न्यूज में देखा ही होगा आसमान से उल्का पिंड जिसको बोलते हैं टूटता हुआ तारा। जानकारों का कहना है कि हर साल कई जबरदस्त भूकंप आ सकते हैं। सन 1900 से लेकर अब तक 20 लाखों से ज़्यादा लोग भूकंप में मारे गए हैं। यीशु ने कहा था कि महामारी होंगी, जानलेवा बीमारियां तेजी से फैलेंगी और लाखों लोगों को चपेट में ले लेंगी। आखिरी दिनों में संकेतों से भरा ऐसा समय आएगा जिसका सामना करना मुश्किल होगा। पौलुस ने बताया था कि आखिरी दिनों में कई ऐसे लोग रवैया कैसा होगा देखते हैं। तिमोथियुस 3 अध्याय के 1 वचन से लेकर हम 5 वचन तक पढ़ देते हैं बाइबल से प्रूफ, ठीक है भैया। पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य खुशवर्ती लोभी डिंगमार अभिमानी निंदक माता पिता की आज्ञा टालने वाले कृतज्ञ अपवित्र दया रहित क्षमा रहित दोष लगाने वाले असमी कठोर भले के बैरी विश्वासघाती ढेट घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहना। आखिरी दिनों में संकेतों से भरा ऐसा समय आएगा जिसका सामना करना मुश्किल होगा। पौलुस ने बताया था कि आखिरी दिनों में कई ऐसे लोगों का रवैया कैसा होगा, आइए देखते हैं। नंबर 1, सिर्फ खुद से प्यार करने वाले लोग होंगे। नंबर 2, पैसों के भूखे होंगे। नंबर 3, माता पिता की बात नहीं मानेंगे। नंबर 4, वफादार नहीं होंगे। नंबर 5, परिवार से प्यार नहीं करेंगे। नंबर 6, खुद पर काबू नहीं करेंगे। नंबर 7, खूंखार और मारपीट करने वाले होंगे। नंबर 8, परमेश्वर की भक्ति के बजाय मस्ती में डूबे रहेंगे। नंबर 9, परमेश्वर से प्यार करने का दिखावा तो करेंगे मगर उसकी आज्ञाओं को नहीं मानेंगे। ये है केवल लोग सिर्फ मसीही, सिर्फ नाम के मसीही। अभी आपके पास मेरे भाई पूरा मौका है, मन फिरा लो, क्योंकि अंत का दिन चल रहा है। बहुत बुरा हाल करेगा परमेश्वर, जिस किसी का नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिलेगा वह आग की झील में डाल दिया जाएगा। अभी तो आपको बहुत मजा आ रहा है लड़कियों को पटाने में, सांसारिक जीवन बिताने में, क्योंकि अभी तो जवानी का दिन चल रहा है। इसलिए यीशु ने भी कहा था, भैया हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिन में मगन रहे, अपनी मनमानी कर और अपनी दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि परमेश्वर तेरा इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। तो आपके सामने जीवन और मरण की बातें रखी हैं। अभी तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। याद रखना मेरे भाई इस बात को मेरी, आज चिल्ला चिल्ला के मैं यूट्यूब पे बता रहा हूँ। अभी यूट्यूब पे देखो अमित विल्सन ये सब फ्रॉड लोग कैसे प्रचार कर रहे हैं, लोगों को कैसे गुमराह किया जा रहा है मसीह विश्वासियों को, आप तो देख सकते हैं। तो आप सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की।